संत महासभा छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी राजेश्वर नंद ने महाराष्ट्र के पालघर के जूना अखाड़े में हुई हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल से तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए आज बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच ज्ञापन सौंपा। स्वामी राजेश्वर आनंद ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद संत समाज के साथ इस प्रकार की घटना होना इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई है। संक्षेप में यही है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो लॉकडाउन के पश्चात हम सभी संत लोग जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में यहाँ पे है, संत समाज के सभी पदाधिकारीगण जाकर के महाराष्ट्र में माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इनको कठोर से कठोर दंड प्राप्त हो। वहीं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने पूरी घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार समय रहते उचित कदम नहीं उठाती है तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरे देश के साधु व हिंदू भाई महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे व सरकार का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की हत्या हुई है, तो इस विषय को लेकर हम लोगों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के नाम से जिलाधीश रायपुर में हमारे से अतिरिक्त तहसीलदार शर्मा जी ने को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पर उन संतों को धक्का देकर भीड़ के हवाले किए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पुलिस का काम समाज की रक्षा का काम है और वही भक्षक बनकर इस काम को कर रही है। हमारी ये मांग है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का जीवन पंजीबद्ध होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं एक साजिश है, हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है, संत महासभा के खिलाफ साजिश है। और इसमें अगर 302 का अपराध जर्म नहीं होगा तो हमारे संत महासभा के राजेश्वर जी स्वामी जी के महाराज में के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी जो हमारे संत समाज के लोग हैं वो महाराष्ट्र जाएंगे। पूरे देश के संत समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे और महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे। TCP24 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरुण जंघेल के साथ चित्रा पटेल की रिपोर्ट।